मुकाबला दिलचस्प है नहीं, जनता आगे बढ़ चुकी है और किसी भी जात और बिरादरी में जाएंगे तो वह सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक इन बातों की चर्चा करेंगे कि दोनों उम्मीदवार में कोई तुलना नहीं है। एक है खाई और एक है विकास। बांका का चतुर्दिक विकास हमें करना है और चतुर्दिक विकास का मतलब होता है संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में किसी भी वर्ग किसी भी जाति का कोई भी समस्या है तो उसको ईमानदारी पूर्वक हल करना है। हम विकास के बेटा हैं, हम बराबर कहते हैं कि हम विकास के गोताखोर हैं, हम सिप्पी और घोंघा को छोड़ते हैं और विकास की मोती को चुन चुन करके क्षेत्र में लाते हैं और विकास करते हैं। जो भी उद्योगों का जाल बिछना चाहिए, नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए, महिलाओं के हित का काम होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने अपने 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी किए हैं। अब बांका की अगर बात करें तो बांका से फिर से आरजेडी ने पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाए हैं, भरोसा जताया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद जयप्रकाश यादव जी हैं। क्या कहेंगे, पार्टी ने आप पे विश्वास जता के फिर से आपको उम्मीदवार बनाए हैं, बड़ी जिम्मेवारी दी है। 40 सालों से लगातार आदरणीय लालू जी के साथ राजनीति किए हैं, साथ हैं, नेतृत्व के प्रति आस्था और भरोसा के साथ हर दिन जीने वाले हम लोग हैं। और आदरणीय लालू जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, राजद परिवार ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। हम भरोसा पर हमेशा खड़े उतरे हैं और खड़ा उतरेंगे और हमेशा दल के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हैं, उसमें इफ वट नहीं होता है। इसमें अगर देखा जाए तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ गिरधारी यादव जी हैं आपके सामने, कितनी चुनौती रहेगी? मुकाबला दिलचस्प है नहीं, जनता आगे बढ़ चुकी है और किसी भी जात और बिरादरी में जाएंगे तो वह सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक इन बातों की चर्चा करेंगे कि दोनों उम्मीदवार में कोई तुलना नहीं है। एक है खाई और एक है विकास। तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? जो स्थानीय मुद्दा है कि बांका का चतुर्दिक विकास हमें करना है और चतुर्दिक विकास का मतलब होता है संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में किसी भी वर्ग किसी भी जाति का कोई भी समस्या है तो उसको ईमानदारी पूर्वक हल करना है, बिना कोई खोट के, बिना कोई मन में कोई तरह की बात पाले हुए। हम विकास के बेटा हैं, हम बराबर कहते हैं कि हम विकास के गोताखोर हैं, हम सिप्पी और घोंघा को छोड़ते हैं और विकास की मोती को चुन चुन करके क्षेत्र में लाते हैं और विकास करते हैं। और सभी जाति सभी धर्म सभी मजहब को हम जोड़ के चलते हैं और जो आदरणीय हैं उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों किसी भी जाति को हो। 2014 में जब कहा जाता है पूरे देश में मोदी लहर था, उस लहर में आपने यहाँ से जीत दर्ज की, आपने 5 साल कामकाज भी किया और गिरधारी यादव ने भी 5 साल तक कामकाज किए, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अब भी इस क्षेत्र में वो विकास होना आवश्यक है, जरूरी है, कमी आपको नज़र आ रही है? बहुत विकास करना है, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन मैंने कहा कि एक डिक्शनरी में विकास का शब्द नहीं है, विनाश का शब्द है और मेरे डिक्शनरी में विकास का, विश्वास का,
हमेशा से यही ताकत रहा है और हम विकास करेंगे। और जो भी उद्योगों का जाल बिछना चाहिए, नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए, महिलाओं के हित का काम होना चाहिए, समाज के हर वर्गों को ए टू जेड, जिसको माननीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं ए टू जेड को सम्मान मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए और सबको जोड़ के चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयप्रकाश यादव जी, ने साफ तौर पे कहा है कि हम विकास करना चाहते हैं और जनता भी चाहती है कि विकास हो, साथ ही साथ महिलाओं की सम्मान की बात हम करते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे हमने जो सवाल की, आपने भी सुने होगी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।